हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मखाने के बारे में। लीवर के लिए जरूरी है भुने मखाने। मखानों को घी में भुनने से मक्खन जैसा स्वाद आता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं। घी स्वास्थ्य बसा का एक स्रोत है और इसमें विटामिन ए, डी, ई और के जैसे आवश्यक पोषण तत्व होते हैं। घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो पाचन में सहायता करता है। मखाने को घी में भुनने पर ही आसानी से पचने योग्य हो जाते हैं। ये संवेदनशील पाचन तत्व वाले लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। मखाने में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है। घी में भुनने से ये एक संतुष्टिदायक नाश्ता बन जाता है जो भूख को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इससे ये उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है जो अपना वजन नियंत्रित करना चाहते हैं। घी ऊर्जा प्रदान करता है और जब इसमें मखाना भुना जाता है तो ये नाश्ता टिकाऊ ऊर्जा के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है। इसलिए इसे अक्सर उपवास के दौरान नाश्ते के रूप में खाया जाता है। भुना हुआ मखाना शरीर को मुक्त कणों और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकता है। डॉक्टर राजीव पुंडिर, जो कि वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा है, बताते हैं कि भुने हुए मखाने शीतल, पित्तनाशक बल और शुक्र वर्धक करने वाले, अस्थियों की पुष्टि और त्वचा की कांति को बढ़ाने वाले होते हैं। ये एक सुपाच्य आहार है और सभी आयु के लिए स्वास्थ्य वर्धक है। धन्यवाद।